आखिर समझेंगे कि ब्रिटिश के फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसकी लीगेसी आज भी हमें भोगनी पड़ रही है। हमें तो मैकमोहन लाइन हमने नहीं खींची थी, ब्रिटिश ने खींची और चाइना से हमें कन्फ्लिक्ट करना पड़ा। डुरंड लाइन संयोग से हमारे ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला गया और पाकिस्तान का हेडेक बन गया, परंतु वह भी इक्वली हेडेक है। तो ब्रिटिश ने अपने फॉरेन पॉलिसी को किस प्रकार से गाइड किया, किस प्रकार से बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया, और जब नेहरू आए तो उन्होंने क्या परिवर्तन लाया। नेहरू वॉज कॉल्ड डेमोक्रेटिक कर्जन। नेहरू को डेमोक्रेटिक कर्जन क्यों कहा जाता है, तो इसका मतलब है कि आप मीन करते हो कि नेहरू जहां से स्टार्ट किया है तो लीगेसी तो कहीं ना कहीं कर्जन से ही आई, तो बेटर है कि वहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और उसके बाद आप बढ़ते जाते हो तो लाल बहादुर शास्त्री एरा है, मिसेज गांधी एरा है, तो फॉरेन पॉलिसी का पूरा नींव तो वहीं आपकी मजबूत होती है।